कमांडर साहब, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जो बदतमीजी, एकदम टोटल बदतमीजी। सो फाइनली हो गए स्टार्ट निकलने के लिए। सुबह सुबह की हो रही ठंड। देखो कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको रास्ते में बताएंगे। सबसे पहले तो बाइक उतारते हैं। हाय भाई, अलग ही प्यार है, अलग ही क्या ही बोलूँ, नो वर्ड्स भाई। सर्दी है, सबसे पहले तो कोल्ड स्टार्ट ही की जाए। गजब ही लाउड हो रखी है यार सुबह सुबह तो। नाइस, पूरी कॉलोनी वाले उड़ जाते हैं इससे। चलो गाइस, अभी तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, अभी निकलते हैं। सबसे पहले तो अपने लड़कों से मिलते हैं जो अपना वेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको आगे की कहानी बताता हूँ एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो हो सकता है मैंने थंबनेल ऐसा डाल दिया हो जिससे आपको पता लग जाएगा, बट ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा है तो आने अभी 5-10 मिनट में पता लग ही जाएगा आपको, एक बार गाड़ी बस गर्म हो जाए। तो यार अभी हम लोगों को मिलना है गुलाब जी पर, वहाँ से फिर हम निकलेंगे। एक्चुअली आज हमारा प्लान है खाटू श्याम भी जाने का, तो फिर हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। तो मीटिंग पॉइंट हमने गुलाब जी रखा था। 2-3 बाइकर और हैं साथ में, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा भीड़, ज़्यादा पूछा तो था हमने लोगों को जनरली, बट ज़्यादा लोग आए नहीं। बट हम 3-4 लोग ही थे जो रेडी हुए जाने के लिए। मैंने कहा हम सोचा थोड़ा सा राइड भी हो जाएगी और थोड़े से दर्शन भी हो जाएंगे, बाकी रास्ते का फन तो आपको रास्ते में पता लगेगा, मुझे रास्ते में पता लगेगा, आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। बहुत दिन हो गए यार, मतलब सिटी में चला चला के थोड़ा सा, मतलब जो राइड्स होती हैं बाहर सिटी के बाहर वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा क्या चाहिए कुछ नया। अब उस साइड हम कभी गए भी नहीं, जनरली हम जाते भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है उधर और हाईवे जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो इस बार हमने डिसाइड किया चलो मंदिर में दर्शन भी कराते हैं और चलो चलो। चलो चार टेनार, एक नहीं 3 टेनार एयर, एक बनेली नहीं 3 टेनार एक बनेली TRX। सिटी के ट्रैफिक को चीर के निकलते हुए मैं जो मज़ा है ना, वो ऐसे मज़ा है नहीं कहीं। तेज चलाने की नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ जो थोड़ा सा ये होता है ना, क्राउड का रिस्पांस मिलता है, वो जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। भाई स्पीड ब्रेकर पे धीरे से लो गाड़ी को, प्लेन बनने में कितना ही समय लगेगा इसको। पहले मैं सोच रहा था कि आज सुबह अंदर लाइनर नहीं पहनूं। मैंने कहा बाद में थोड़ी गर्मी लगने लगेगी, बट डिसीजन मेरा रहा ठीक है, थोड़ी सी गर्मी भी सह लेंगे, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि अभी जो ठंड में हालत हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा वही है। स्लो गाइस स्लो। एक तो पता नहीं लोगों के ना उड़ने की क्या जल्दी रहती है। ओ भाई देखो, आई एम नॉट दैट अभी प्रो। के जल्दी है भाई, रुक के चलो रुक के। उसी के बाइक में मुझे ऑयल डाल रहा है और वही सबसे आगे भाग रहा है। भाई ने सुबह फोन करके बोला यार मेरी बाइक में थोड़ा सा ऑयल कम हो गया है, तो थोड़ा सा इंजन ऑयल डालना है। मैं उसको कह रहा हूँ रुक जा पहले ऑयल डाल ले, बट उसको भागना है, रुकना ही नहीं है। तो बदतमीजी, एकदम टोटल बदतमीजी। लाइट कहाँ दिख रही है, लाइट ही नहीं दिख रही। भाई इसको थोड़ा सा फ्यूल अप किया जाए, भाई के इंजन को थोड़ा सा ऑयल अप किया है, ऑयल डालना है थोड़ा सा इनके बाइक में, वो ऑयल डालें उसके बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि बीच में फिर रुकने का तो है नहीं, हम हाईवे पे आ जाएंगे, तो ये जो काम है हम पहले कर लेते हैं। तो गाइस लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल कम होता है, हमारी गाड़ी में इंजन ऑयल ही कम होता है। पेट्रोल तो होता है तो ऑफकोर्स बिना उसके तो चलेगी नहीं, दूसरी चीज़ इंजन ऑयल भी कम होता है। वैसे तो जितने भी सुपर बाइकर्स होंगे उनको तो मालूम होगा कि क्यों, लेकिन जिनको नहीं मालूम, हाँ ये इतने बड़े इंजन है कि ये ऑयल भी खाते हैं। मतलब आप 4 लीटर ऑयल डालोगे थोड़ी सी राइड करने के बाद, मतलब ऐसा भी नहीं 100-200 राइड करना, थोड़ा सा हाँ राइड करने के बाद 3.5 लीटर हो जाएगा, मतलब इंजन ऑयल जलने लगता है। बस यार ये रोड थोड़ा सा ऐसा, इससे बहुत ज़्यादा यू नो मूवमेंट रहता है लोगों का, गाड़ियों का, क्योंकि आसपास के, इसलिए हम लोग जनरली इस रोड पर्टिकुलर रोड पर राइड ही नहीं करते हैं, ये रोड इसलिए,
अब लेकिन आज हमें खाटू श्याम जी जाना है तो रास्ता ही यही है, तो आज हम इसी से जाएंगे। वैसे ये परफेक्ट टाइम है राजस्थान घूमने का, क्योंकि डेजर्ट में भी ठंड रहती है, गर्मी में तो आप जा ही नहीं सकते, गाड़ी से नहीं उतरोगे, इतनी गर्मी रहती है। और अभी तो ऐसा मौसम रहता है कि आप बाइक से पैदल चले जाओ, आपको रेगिस्तान में जो मज़ा आएगा ना, बस। एक बार मैं चूरू साइड गया था गर्मियों के टाइम पे, वो वाली बात अलग है, मेरी वहाँ हालत ख़राब हो गई थी, बट एक था कि हाँ सर्दियों में कभी तो इधर आना पड़ेगा। और बाइक और रोड, राजस्थान की रोड्स तो खैर है ही एक नंबर, हर जगह जब कहीं के पैचेस हैं बट मोस्ट ऑफ द एरियाज में अच्छी है। यहाँ पेट्रोल पंप पे रुकेंगे यार, जिससे कि भाई लोग अपने में ऑयल फ्यूल अप करा सकें, और ये इंजन ऑयल डाल लेंगे जब तक। कौन सा पावर डला रहे हो क्या? मैं डाल दूँ क्या? अरे विशाल, अरे बस बढ़िया, क्या हाल है? फ्रेंड्स, तो ये तूने ले ली? ये तूने ले ली? ये? अरे ये तूने लिए ना? ये रुद्र ने लिए। अच्छा ये तेरी? अरे ये तो पूछ रहा हूँ, ये कैसी बातें कर रहा है सुबह सुबह? अच्छा मुझे नहीं पता था भाई, नहीं लगते ही नहीं हो तुम कहीं से। मनोज, ये मनोज और ये कहीं से लगते हो? बड़े एक जैसे भाई हैं, मुझे बताओ हैं? इसको इनको भी नहीं पता। जो वीडियो बनाई थी पता चला रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था और वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई, तो बेसिकली ने प्याज और कचौड़ियाँ खाई है, तो हम यहाँ से निकलने की तैयारी। ये तो पहन लो, ये तो रही गया। सो हमें बीच में जाने वाले खाड़ले वाले भैया और मिल गए, उनका ग्रुप आया नहीं तो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चलो यार, ये वो हार्ले वाले हैं, पीछे से प्रोफाइल लुक तो अच्छा आ रहा है, दो शॉट गन सी बाहर आ रही है। कमेंट करके बताओ कौन सी बाइक है हार्ले की, अगर आप लोगों को पता हो तो। प्रोफाइल अच्छी लग रही है इसकी। ओ डो 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 पैदल यात्रा जा रही है यहाँ से खूब, और हम लोग जा रहे हैं अल्लाह करते हुए। अभी कहीं धर लिया, सबको रोक लिया जाएगा।
भाई पब्लिक रिएक्शन है देखो यहाँ तो, वैसे हम लेना नहीं चाह रहे थे बट स्टिल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो पार्किंग ढूंढना ही एक टफ टास्क है। अरे आगे लो थोड़ा सा, साइड में लो, साइड में लो थोड़ा, साइड में, अरे साइड में लो, भाई 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 भाई। ये सही है, हम बिल्कुल ही मंदिर के पास लगाएंगे जिससे अरे यार तुमसे यार एक पार्किंग नहीं ढूंढी जा रही क्या तुमसे यार, वहां इतनी सही थी, अंदर घुसा लाए हमें तुम यार, तो वही थी ना यार, तुम्हें मालूम है पार्किंग कहाँ है, तुम्हें मालूम है ना पार्किंग कहाँ है, तो तुम आगे चलो यार, जल्दी से पार्किंग ढूंढो गाइस, गाड़ी गर्म हो रही है बहुत ज्यादा, 102 पे तो आ ही गया है, थोड़ी देर और रुक जाओ 115 पे आ जाएगी। किधर इधर, चलो इधर चलो, इधर चलो, अरे उधर चलो, भैया ऐसी जगह लगवाना जहाँ आप ध्यान रख सको। यार एक एक वो चाहिए पत्थर, पत्थर पत्थर, चलो रहने दो, टिक गए कौन, किस वाली में, उसी वाली में आई नहीं थे पीछे, किस वाली में जहाँ अपने को रोक रहे थे। गाइस फाइनली, तो गाइस आप लोगों ने भी खाटू श्याम के दर्शन तो कर ही लिए होंगे, जितना दिखा मतलब इससे ज़्यादा दिखा नहीं सकते थे क्योंकि रुकने ही नहीं दे रहे थे, और बट अभी तो थोड़ा सिस्टम अच्छा कर दिया है, पहले तो बहुत सिस्टम ज़्यादा ख़राब था, भीड़ बहुत रहती थी, अब तो थोड़ा सा बट बहुत भीड़ है यार, भीड़ है और अब हो गई है गर्मी। राइडर साहब जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, की गऊ खड़ी है बाबा जी की, चारे का दान करके जाओ आप राइडर साहब हो, कर दिया दान कर दिया बाबा साहब, आज हुक्म हो गया बाबा जी का, किस घड़ी से दे रहे बाबा, बहुत कर दिया है, अब तो बचे ही नहीं, कर दिया, आपकी जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा, शाम आपकी गाड़ी ये क्वास की लेन पर ही रहेगा, ये दुआ आज ये देखो पांच पैरों की गऊ है हमारी, कर दिया बाबा दान तो कर दिया, मेरा वचन खाली नहीं कमा, आपकी इच्छा से बने वही दे दो। पहले हमको यहाँ पार्किंग में यहाँ रुकवा रहे थे, यहाँ से काफी अंदर हमें जाना पड़ता, लेकिन हम पीछे से घूम के फिर अंदर ही चले गए सीधे, वहां से फिर दर्शन करके आ गए फटाफट। राइट
राइड की राइड हो गई, दर्शन के दर्शन हो गए, प्रसाद का प्रसाद हो गया। यार मुझे ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बताए ग्लव्स की वजह से मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, बट रिकॉर्डिंग चालू हुई ही नहीं थी। मैं तो देखो बार बार मुझे ऐसे चेक करनी पड़ रही है कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि इसके टच से पता लगता नहीं है कि एग्जैक्टली वो टच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई 1200 का पेट्रोल डल गया यार, टू मच। को तो बहुत टाइम लगेगा, हम निकलते हैं घर की तरफ। नए रास्तों पे जाने का है ना यही मजा है, आपको है ना राइड पे जाने का मजा आता है बेसिकली। और एक दो लोग नए भी थे ही थे, अब मिल ही जाते हैं खैर, पर ठीक है। अब नए रास्तों पे राइड करो ना तो थोड़ा क्या है, नई नई चीजें दिख जाती हैं, थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वरना एक ही रोड पे अगर राइड करते रहो ना तो वो फिर एक टाइम के बाद आपको बोर करेगी। सबको रेव करना है, सबको रेव चाहिए, सबको चाहिए भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ही मालूम है ना, अगर अननेसेसरी रेव, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, बट इट्स ओके। सो गाइस, सो फाइनली अब घर की तरफ आ गए हैं भाई। अगर सो और आज का वीडियो भी हम करते हैं यहीं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, राइड पसंद आई, तो चैनल को तो आपको मालूम है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बाकी हमारे साथ हर राइड को एंजॉय करते जाना। चलिए जल्दी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।